नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि दिल्ली की तीन जगहों से, तीन बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली के लिए अनुमति दे दी गई। आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर का रूट तय हुआ है और सिंघू बॉर्डर से 62 किलोमीटर का। वहीं आपको बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर से 46 के लगभग रूट जो है वो तय हुआ है। तो प्रद्युम्न, ऐसे में अब रैली की तो इजाजत दे दी गई है, लेकिन साथ ही जो सबसे डराने वाली चीज है वो ये है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसके साथ ये भी बताया है कि इसमें साजिश की भी बू आ रही है। अगर साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इसके तार, कई ट्विटर हैंडल्स जो है वो पाकिस्तान से बनाए गए, इनके द्वारा यहां पर कुछ गलतियां करने की, कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश जारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी काम होता है तो उसमें असामाजिक जो तत्व होते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। क्योंकि किसान बार बार ये चीज़ दोहरा रहे हैं कि हम जो भी कुछ करेंगे बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। करीब 2 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को लगातार करते हुए, कोई भी ऐसा उपद्रव नहीं किया, ऐसा कुछ खबरें सामने नहीं आई जहाँ पर बड़ा हंगामा किया गया हो या फिर कुछ और चीज़ें की गई हो, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। बड़ा ही शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और ये बात भी सुनिश्चित की जाती है किसानों की तरफ से। किसान ऐसा कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, चाहे कितने भी ट्रैक्टर क्यों ना आ जाएं, लेकिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वो किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कविंद्र आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं, उसके तरीके से वहां पर ट्वीट भी किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व होते हैं ये, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस ट्रैक्टर रैली में खलल डालें और ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे कि ट्रैक्टर रैली को बदनाम करने का जो काम है वो ऐसे असामाजिक तत्व करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक चीज ये भी साफ कह दी है कि हम इस रैली को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और कोई भी चूक की गुंजाइश यहां पर छोड़ी नहीं जाएगी। बिल्कुल, सीपी कमिश्नर आलोक कुमार वर्मा ने साफ किया है कि जिस तरीके से अभी तक जो वार्ताएं हुई हैं वो पॉजिटिव साइंस देती है। किसानों ने कहा है कि वो रैली निकालेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से निकालेंगे। बिल्कुल, लेकिन पुलिस ने भी इसमें समर्थन दिखाया है। पुलिस ने कहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालिए, रूट तैयार किए गए हैं, पूरा एक रोड मैप बनाकर उनको दिया गया है। लेकिन गड़बड़ी की जो बात कही जा रही है वो डराती है। गड़बड़ी अगर होती है, किस तरह की होती है, किस तरह की आशंकाएं हैं, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। लेकिन कमिश्नर साहब ने साफ किया है, कमिश्नर ने कहा है कि पूरी जो सुरक्षा है वो उनकी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, हर तमाम चीजों पर नजर रखी जाएगी। LIU जो है वो भी काम में जारी रहेगा, लगातार इस पर काम करता रहेगा। लेकिन किसानों की रैली जो दिल्ली के अंदर जाने वाली है, 62 किलोमीटर का रूट, 63 किलोमीटर का रूट, 46 किलोमीटर का रूट, इतना लंबा रूट, अगर इतने हजारों लाखों ट्रैक्टर सड़क पर आ जाएंगे तो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस को क्या इंतजाम करने पड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी पुलिस फोर्स नहीं है। प्रद्युम्न, इसको अगर समझते हैं आंकड़ों की नजर से, तो पुलिस फोर्स इतनी नहीं हो सकती, जितने ट्रैक्टर्स होंगे उतनी पुलिस फोर्स नहीं होगी। किसानों की तो बात ही अलग है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इतने ट्रैक्टर, क्योंकि जब मॉकड्रिल हुई थी किसानों की जो रैली निकालने की, उसमें करीब करीब 60,000 ट्रैक्टर एज अ डेमो के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वो डेमो था, अब हकीकत है। अब हकीकत में ना जाने कितने ट्रैक्टर वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लगातार वहां पर किसान पहुंच रहे हैं, अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों तक एक अहम जानकारी पहुंचा देते हैं कि जब रैली होगी उस दिन तारीख होगी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस है। ऐसे पे पूरी कोशिश, जो असामाजिक तत्व होते हैं उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे दिन कुछ ना कुछ बड़ा किया जाए, कुछ गलत किया जाए, तो उनकी कोशिश इस बार ये भी रहेगी। और उनको क्या है, एक मौका मिल गया है काविंदर, क्योंकि देखिए 26 जनवरी है और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, अब रैली है, तो ऐसे लोग हो सकता है कि रैली के माध्यम से कुछ ऐसा गलत करना चाहें। लेकिन उसमें एक बात ये भी आ जाती है कि जिस तरीके से मेरे सहयोगी आप तक बता रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पूरी तैयारी है और खास तौर पर रॉ और ऐसी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं यहां पर, खुफिया एजेंसीज लगी हुई हैं कि वो किसी भी तरीके की कोई असामाजिक तत्व दिखता है या फिर कुछ ऐसी हरकतें करने की कोशिश कोई करता है तो उसको पहले ही गिरफ्तार कर लेंगी। क्योंकि ना जाने सिविल ड्रेस में कितने ऐसे पुलिसकर्मी होंगे, कितनी ऐसी एजेंसी के लोग होंगे जो वहां पर मौजूद होंगे, उन 62 से 63 किलोमीटर के बीच में कितनी पुलिस होगी इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता है। और ऐसे में आप जिस तरीके जिक्र कर रहे हैं कि इतने पुलिसकर्मी नहीं होंगे, बिल्कुल ये बात हकीकत है कि दिल्ली में, क्योंकि करीब करीब अगर आप कुल मिला के बात करते हैं तो करीब 150 किलोमीटर का ये फासला हो जाता है, तीनों का अगर फासला मिलाया जाए 150 किलोमीटर में ना जाने कितने ट्रैक्टर, तो उसके लिए पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए होगी और खास तौर पर 26 जनवरी भी है, तो ये दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी शायद। जी बिल्कुल, किसानों और सरकार के बीच दिल्ली पुलिस फंस गई है, क्योंकि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना उसकी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता यहां पर होगी। लेकिन एक चीज और प्रद्युम्न, जिस पर गौर बहुत जरूरी है करना, कि रैली जो है बहुत लंबा रूट है, बहुत लंबा किलोमीटर्स का रूट है, ऐसे में सुरक्षा प्रोवाइड करना ये हो गया पुलिस का काम। लेकिन LIU को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस का भी वहां पर बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि ऐसे मौकों पर कई दफा देखा गया है जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो वहां पर इस तरीके की चीजें जो है वो बहुत माइन्यूट से होती है, उसको पुलिस की नजर से भी वो चकमा दे सकती है। लेकिन दिल्ली 26 जनवरी को
चप्पे चप्पे पर छावनी बनने जा रही है। इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरे देश की जो नजर है वो राजपथ के कार्यक्रम पर रहती थी हर बार, लेकिन इस बार पूरे देश की नजर पूरी दिल्ली पर है क्योंकि दिल्ली के तमाम दरवाजों से जिस तरीके से जो रैली है वो निकलने वाली है, तीन जगह से जो ट्रैक्टर रैली प्रस्तावित की गई है जिसके लिए अनुमति दी गई है, जब वो रैली निकलेगी तो पूरा मीडिया भी उसको कवर करने वाला है और पूरा देश पहले इसको देखने वाला है कि रैली किस तरह से निकाली जा रही है, रैली में क्या क्या होने वाला है। लेकिन इस रैली से क्या कुछ साबित करना चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जाती रही है रैलियां कि हाँ रैली जब बहुत बड़ी रैलियां होती थी, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि चुनावों में जब रैली होती थी जितनी ज्यादा संख्या बल उसी चीज से नापा जाता था कि आपकी शक्ति कितनी है, क्योंकि बाहुबल का तो जमाना चला गया प्रद्युम्न, अब संख्या बल से इंसान की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। तो ऐसे में ये चीज जो है ना प्रद्युम्न, ये चीज बहुत अहम हो जाती है कि इस चीज को कैसे पता किया जाए कि ये रैली ये सिर्फ संख्या बल दिखाकर एक तरीके से आगे आकर ये बताने के लिए कि हम क्या शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, ये इसलिए है या कुछ और है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि संख्या बल, क्योंकि बाहुबल जो पहले किया इस्तेमाल किया जाता था अब वो बाहुबली वाला जो एक शब्द है वो जा चुका है, लेकिन अब संख्या बल देखा जाता है, उससे मापा जाता है कि कितनी शक्ति है। लेकिन ये तो सरकार पहले ही माप चुकी है ना, क्योंकि किसान आंदोलन करीब 2 महीने से चल रहा है, सरकार ने तो ये भी नहीं सोचा था कि 2 महीने यानी कि 60 दिन तक किसान आंदोलन चल भी पाएगा, लेकिन वो चला। तो सरकार को अंदेशा तो लग गया है, एक अंदाजा हो चुका है कि हाँ भाई शक्ति है, लेकिन अब जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अब जो रैली निकाली जाएगी उससे साफ सरकार को ये संदेश दिया जाएगा कि इतने लोग इस समर्थन में, हमारे समर्थन में मौजूद हैं और कृषि बिल को वापस करने के समर्थन दे रहे हैं हमको। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या में दिल्ली में लोग बाहर से आने वाले हैं और इस ट्रैक्टर रैली को निकाला जाएगा। दिल्ली पुलिस पर तो अहम जिम्मेदारी यहाँ पर हो ही जाती है क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन है और ऐसे में अगर कुछ गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो शायद ये कहा भी जा सकता है कि अभी 2 या 3 दिन दिल्ली पुलिस को शायद नींद भी नहीं आने वाली है क्योंकि इतने सारे इंतजाम करने हैं, करीब 150 किलोमीटर के अंदर रैली निकाली जाएगी, ऐसे में बहुत चीजें देखी जानी चाहती हैं क्योंकि जिस तरीके से चाहे सुरक्षा की बात हो या फिर असामाजिक तत्वों को रोकने की बात हो और किस तरीके से रूट डाइवर्ट करना है, ट्रैफिक जाम भी ना हो और रैली भी आराम से सुचारू रूप से निकाली जा सके, तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारी है। अकेली यही जिम्मेदारी नहीं है कि किसी असामाजिक तत्व को रोकना है, बल्कि जिम्मेदारी यह भी है क्योंकि 26 जनवरी है, ऐसे में ऑफिस की जरूर छुट्टियां होती हैं लेकिन लोग अपने काम धंधे पे या किसी घर के जरूरी काम से बाहर निकलेंगे, ऐसे में जब रैली निकाली जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके संपर्क में ना आ पाए, उनसे भी बचाव करना है और ऐसे में ट्रैफिक जाम भी ना लगे उसको भी रोकना है। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस ने क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है, किस तरीके से वो कार्रवाई इसमें कर पाएगी। बिल्कुल, किसानों का तो मॉक ड्रिल हो गया लेकिन अब दिल्ली पुलिस की मॉक ड्रिल की बारी है क्योंकि ये तो 3 से 4 दिन लगेंगे, इसमें बहुत इंतजाम करने होंगे। दिल्ली पुलिस को A to Z काम करना होगा, सड़क पे चप्पा चप्पा नजर के लिए इंतजाम करने होंगे और इसके बाद भी कई तरीके की चीजों पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि बाहर से भी प्रद्युम्न, बाहर से भी लगातार किसान जो है एंट्री ले रहे हैं दिल्ली में, तो बाहर से जो किसान आ रहे हैं उनकी संख्या भी मापना आंकना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में सरकार उनकी संख्या भी आंक रही है कि कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं क्योंकि लगातार कई गांव से, महाराष्ट्र की बात करूं वहां से भी किसान निकले हैं दिल्ली के लिए, वहीं वाराणसी से भी निकले हैं किसान, तो तमाम जगहों से, बिहार से किसान आ रहे हैं। तो जब किसान अभी भी आ रहे हैं तो 2 या 3 दिन में किसानों की संख्या में कितना ज्यादा इजाफा होने वाला है ये देखना भी बहुत अहम है और उसके लिए दिल्ली पुलिस को भी बहुत एक सुनिश्चित ढंग से, एक बहुत अच्छी व्यवस्थित ढंग से तैयारी करनी होगी क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर बहुत अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि एक तरफ तो राजपथ है जहां कार्यक्रम चल रहा है वहां पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी बनती है और वहीं दूसरी तरफ तीन जगहों से ट्रैक्टर रैली प्रस्तावित है जो कि निकलनी है, ऐसे में तीनों पॉइंट से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी देना है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था का जितना बड़ा बीड़ा अब दिल्ली पुलिस उठाने जा रही है ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होगा क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा रहा, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी हो गए और राजपथ का कार्यक्रम भी सफल रहता है तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं शाबाशी की हकदार जरूर हो जाती है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी क्या कहने वाले हैं 26 जनवरी पर क्योंकि जब तमाम दरवाजों से जब किसान संगठित होकर एक रैली निकाल रहे हैं, एक मार्च पास्ट कर रहे हैं जहां पर लाखों की संख्या है, तो ऐसे में सुनेंगे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्योंकि वो क्या कहते हैं, क्योंकि किसान जो है वो लगातार जो मांग कर रहे हैं जिसको हम लोग अगर अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर क्लैरिफाई कर दें कि किसान लगातार बीते 2 महीनों से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर डटे हुए हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने बताया कि MSP पर भी कानून बनाया जाए लेकिन सरकार अपनी बात पे अड़ी है,
किसान अब की बात पर अड़े हैं। प्रस्ताव दिए गए, इसके साथ ही संशोधन की भी बात की गई सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद अभी तक बात नहीं बन पाई, जिसके बाद 26 जनवरी को एक रैली प्रस्तावित की गई थी। हालांकि बहुत लंबे दर्जे तक बातचीत होती रही, बहुत वार्ताओं का दौर भी रहा। इसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ जो बातचीत हुई वो थोड़ी, हालांकि उसको सफल मानूंगा मैं प्रद्युम्न अभी तक, क्योंकि तीन जगहों से रैली की बात कर दी है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, इसके लिए रूट मैप जो है ये बहुत अहम है। रूट मैप दिल्ली पुलिस ने दिया, किसानों ने रूट मैप नहीं दिया है। रूट मैप जो दिया है वो दिल्ली पुलिस ने दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 62 किलोमीटर, 63 किलोमीटर और 46 किलोमीटर तीन जगहों से, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से आप रैली निकाल सकते हैं। ट्रैक्टर रैली कितनी विशालकाय होने वाली है ये समय बताएगा, ये हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतिहास बनने जा रहा है। बिल्कुल, इतिहास तो बनने जा रहा है, क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन है वो अब दर्ज हो जाएगा कि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस भी है। और ऐसे में साल 2021 में किसान आंदोलन के चलते वहां पर सबसे बड़ी रैली भी निकाली गई थी, और ये बात बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है कि न जाने जो संख्या है वो अभी मापना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन अभी दिन कुछ बचे हुए हैं, ज्यादा दिन तो बिल्कुल ही नहीं है, एक दो दिन की बात है, लेकिन ऐसे में अब रैली कितनी बड़ी हो जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार भी चीज लगातार देख रही है कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और आपने जिस तरीके से अभी जिक्र किया है कि 26 जनवरी को ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अपने भाषण में किसानों को संबोधित करते हैं या फिर क्या कुछ वो कहते हैं, ये सुनना बहुत अहम हो जाता है। लेकिन अगर किसानों की बात करते हैं तो अभी कुछ घंटे पहले ये खबर सामने आई थी कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ऐसे कई बड़े बड़े क्षेत्रों से किसान लगातार दिल्ली आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, पूरे गांव के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर में बैठकर अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि दो महीने का जो ये सफ़र रहा, किसान आए, कुछ वापस गए, फिर आए। लेकिन अब जब ये रैली का आयोजन किया जा रहा है तो यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दें कि किसान की सबसे बड़ी रैली है, ऐसे में सबसे बड़ा सहयोग जो किसान का बनता है वो एक दूसरे के लिए बन रहा है, और ऐसे में किसान यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और इस रैली को जितना बड़े से बड़ा कर सकते हैं उतनी पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन सवाल और इसका एक तरीके से जवाब तो दिल्ली पुलिस के पास ही होगा कि किस तरीके से अभी उनकी जो रणनीति है वो तैयार की गई है, क्योंकि ये भी डिस्क्लोज नहीं है क्या क्या इंतजाम उन्होंने अभी किए हैं या फिर क्या कुछ करना बचा है। उसके लिए शायद मीटिंग का दौर है वो तो यहां पर लगातार चली रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर असामाजिक तत्व इस तरीके की कोई हरकत वहां पर कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर पहुंच रहे हैं, तो हर किसी की पहचान करना, हर किसी को देखना ये मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया अभी कि इतनी पुलिस नहीं है, इतने वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी बिल्कुल कही जा सकती है। अब किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण किया जाएगा ये जरूर देखने वाली बात है। बिल्कुल, और लेकिन इसमें एक साथ एक चीज और जोड़ देता हूं प्रद्युम्न यहां पर कि दिल्ली पुलिस के लिए एक काम जो है वो आसान करते हैं खुद किसान, क्योंकि किसान जो आंदोलन जो चल रहा है, आप टीकरी बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें या फिर आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, जो किसान जो संगठन वहां पर मौजूद है उन्होंने अपने अंदर भी एक पुलिसिया विभाग जो है वो बैठा रखा है, उनके अंदर भी एक वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि सिटी से डेवलप कर लिया, आप हम लोग जब जाते हैं शंभू बॉर्डर जाते हैं या टीकरी बॉर्डर जाते हैं तो अपने आप में एक शहर से मालूम पड़ता है, वहां टेंट है, खाने पीने की व्यवस्था है, हर चीज है वहां पर जो एक शहर में होता है। इसके बाद वहां पर वॉलंटियर्स भी हैं जो लोग नजर रखते हैं कि ये व्यक्ति बाहर का है या ये व्यक्ति बाहर का है, उसको पकड़ा जाता है, चिन्हित किया जाता है और उसको बाहर करकर पुलिस को दिया जाता है। तो अपने अंदर भी उनका एक पुलिसिया तंत्र जो है वो लगातार जो है एक्टिव है, और रैली वाले दिन यकीन है इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर सकते कि रैली वाले दिन भी वो पुलिसिया तंत्र जो है वो वहां पर मौजूद रहेगा, वो लोग नजर रखेंगे कि कौन किसान जो है वो किसान ही है या फिर बाहर का तो कोई व्यक्ति नहीं आता। तो इसमें दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है और ये बहुत अहम चीज हो जाती है, और इसके लिए किसान नेताओं को जितना हम लोग थैंक्स कह सकें दिल्ली पुलिस की तरफ से वो बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान जो है वो सिर्फ रैली नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में भी एक पूरी की पूरी व्यवस्था जो है लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बीते कई सालों से, दो दशकों से तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई आंदोलन भी नहीं हुआ जहां पर इस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हो, जहां पर जो तमाम चीजें हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था भी है वो भी खुद ही किसान कर ले, रैली में तो बैठे हुए हैं, धरने पर तो बैठे हुए हैं, यहां पर संगठित तो है लेकिन खुद की जिम्मेदारी वो खुद ही ले रहे हैं। तो इस तरीके का आंदोलन, अन्ना आंदोलन भी इतना विशालकाय था लेकिन उसमें भी इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब जो आंदोलन है ये आंदोलन मॉडर्नाइजेशन का आंदोलन है, इसमें जो तमाम चीजें हमने देखी शायद इससे पहले हमने देखी भी नहीं थी, लेकिन रैली जो है उसमें कोई गड़बड़ ना हो,
ये दिल्ली पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी, क्योंकि इसके बाद आप उंगली किसानों पर नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसानों ने ये रैली निकाली इसलिए, क्योंकि इजाजत जो है वो बकायदा दिल्ली पुलिस ने दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इस मसले को अपने तरीके से हैंडल करिए, आपकी जितनी शक्ति आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से इस मसले को आप आगे देखिए। तो इसमें दिल्ली पुलिस के साथ वार्ताओं का दौर रहा और दिल्ली पुलिस के साथ वार्ताओं के दौर के बाद किसानों की रैली जो है तीन जगहों से प्रस्तावित हो चुकी है। तो टीकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर, इसी के साथ सिंबू बॉर्डर से 62 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर की जो रैली प्रस्तावित है वो 26 जनवरी को होनी है। वो देखना बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल अहम तो अपने आप में हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी बताया कि किसानों के अंदर एक पुलिस तंत्र बैठा हुआ है जो खुद इस बात की निगरानी करता है कि कौन बाहर से आया हुआ है और कौन अपना आदमी है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये जिम्मेदारी किसानों के ऊपर हो जाती है, किसानों को अलग तौर से देखा जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि ये बेपढ़े लिखे लोग हैं, ये गांव से आते हैं, लेकिन ये बात साबित कर देती है कि किसान पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका आंदोलन किया जा रहा है ना, वो आंदोलन आप देखिए काविंद्र कितने ही सज्जन, उसके ये शब्द इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, कितने सज्जन तरीके से किया जा रहा है, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाई जा रही है, बड़े ही प्यार से किया जा रहा है और अपनी बात मनवाने के लिए वो लगातार लड़ तो रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई के पीछे जो जिस तरीके से वो अपने कार्य प्रणाली जो चला रहे हैं वो बड़ी ही सही तरीके से सुचारू रूप से की जा रही है। लेकिन ऐसे में जो किसानों का तंत्र है जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, तो वो किसान ये नहीं चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उन पर उंगली उठे कि किसान आंदोलन के बीच से कोई ऐसा शख्स आया जिसने ऐसा कुछ किया। तो किसान बिल्कुल, ये बात सही है आपकी, किसान बिल्कुल निगरानी रखेंगे और ऐसे लोगों को पुलिस को भी सौंपेंगे तो पुलिस को भी काफ़ी मदद हो जाती है, क्योंकि पुलिस अकेली पुलिस जो है वो इतना नहीं कर सकती है कि इतने बड़ी संख्या को संभाल सके, इतनी व्यवस्था कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, इतना लंबा किलोमीटर का फासला है तो दिक्कतें तो आती हैं, ये हकीकत वाली बात है। लेकिन किसान इसमें सहयोग देंगे ये डेफिनेटली कहा जा सकता है, क्योंकि किसान जिस तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे वो बड़ा ही सही तरीके से किया है, तो ये कहा जा सकता है कि ये रैली भी बड़े ही सही तरीके से निकाली जाएगी और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शायद किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमें अपनी जिद थी कि रैली निकालनी है, हम रैली निकाल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी गलत हरकत वहां पर नहीं की जाएगी। बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं दिल्ली की वो इतिहास बनाएगी और इतिहास बनने जा रहा है। 26 जनवरी के बाद क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, इसके हम लोग इसको देख सकेंगे, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है एज अ जर्नलिस्ट जब हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी बड़ी रैली की जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा आज भी यही है, कल भी यही है और आगे भी यही होगा जब तक ये आंदोलन चलता है, इस रैली का कोई फायदा किसानों को मिलेगा, सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी, ये देखने वाली बात बिल्कुल हो जाएगी। और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो समाप्त होगा नहीं होगा ये समय बताएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।